गुड मॉर्निंग एवरीवन लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था टिल प्राइवेट सेक्टर नेक्स्ट जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिव बैंक्स भी ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स का मीनिंग क्या होता है यहां पे टर्म जो है दैट इज कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या होता है जब दो या दो से ज्यादा पर्सन वॉलंटरली आगे आगे इक्वल बेसिस पे अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव कहा जाता है कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जो पर्सन हैं वो वॉल्ट्री ज्वाइन करते हैं अपने आप ज्वाइन करते हैं अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं इक्वल बेसिस पर इक्वल शेयर पर किस चीज के लिए ताकि सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सके इक्वली कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट जो मेन टाइप्स हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के पहला है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज ये जो सोसाइटीज होती हैं वो ऑपरेट करती हैं विलेजेस में मोस्ट ऑफ दी जो स्टेट्स होते हैं जहां पर मोर देन 10 पर्संस जो है ज्वाइन करते हैं तो वो कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनी हुई हैं ये सोसाइटीज एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स अपने मेंबर्स से उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं प्रेजेंटली 95595 प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो कंट्री में फंक्शन कर रही है विद मेंबरशिप ऑफ 10 करोड़ फार्मर्स देन नेक्स्ट जो लेवल आता है आफ्टर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज वो आता है सेंट्रल बैंक्स का ये जो बैंक होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं प्राइमरी सोसाइटीज को जो डिस्ट्रिक्ट में है या उसके किसी पार्ट में है ये जो बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं इन सोसाइटीज को एज ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट जो नंबर ऑफ बैंक्स हैं सेंट्रल का जो नंबर है वो है 370 देन उसके बाद आता है स्टेट हर एक स्टेट का एक मेन कोऑपरेटिव बैंक होता है जो सभी सेंट्रल बैंक्स को उस स्टेट में मदद करता है वो थे थर्टी थ्री ये हेरार की है सबसे नीचे होगा प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज उसके ऊपर होगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और उसके ऊपर होगा स्टेट कोऑपरेटिव में, that is your banks. Up to March 2018, 44 banks जो हैं, वो इंडिया में उनकी ब्रांचेस हैं। वो कौन कौन से हैं? सिटी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एबीएन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक हॉन्गकोंग बैंक हॉन्गकोंग एंड शेगाई बैंकिंग कारपोरेशन बार्कलेज बैंक रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा बैंक एक्सेट्रा फॉरेन बैंक्स होते क्या हैं फॉरेन बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो किसी और कंट्री में जब हम इंडिया के प्रस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो फॉरेन बैंक वो बैंक है जो किसी और कंट्री में इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में रजिस्टर्ड है लेकिन वो अपनी ब्रांचेस इंडिया में खोल कर वहां पे वर्क कर रहे हैं तो इंडिया में उन्हें फॉरेन बैंक्स कहा जाएगा ये था हमारा बैंकिंग सेक्टर में इसमें जो नेक्स्ट चीज इंक्लूड होती है दैट इज आता ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही है दैट इज नॉन नॉन बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंटरमीडियरीज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया में कमर्शियल और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अलावा और ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको छोड़कर वो uh, जो अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको छोड़कर ऑल अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कारपोरेशन कहा जाता है मतलब कि जो भी हमने ऊपर बैंकिंग सेक्टर में पढ़ा कमर्शियल बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनको छोड़ के बाकी जो भी अदर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप कहेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इनका भी काम यही होता है कि इंटरमीडियरीज मोबालाइज करती हैं सेविंग्स पब्लिक की और एडवांस करती है लोन इन्वेस्टर्स को जो एनबीएफआईज होती हैं वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो मेन डिफरेंस है इन in इंटरमीडियरीज और बैंक्स में वो ये कि वो ये है कि ये इंटरमीडियरीज भी मोबालाइज तो करती हैं सेविंग लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट्स लोगों से एक्सेप्ट नहीं करती है ना ही चेक इशू करती हैं इसके अलावा जो दूसरे बैंकिंग फंक्शन हैं उनको भी ये परफॉर्म नहीं करती हैं अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक एक्ट 1934 जो अमेंड किया गया था 1994 में मेन फंक्शन जो इन इंटरमीडियरीज के होते हैं वो होते हैं कि एक्सेप्ट करना डिपोजिट्स और एडवांस करना लोन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह ताकि वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है वो भी इनका काम है फाइनेंस करते हैं ये हायर परचेज को इक्विपमेंट लीजिंग को ये सारे फंक्शंस करते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उन्हें हम डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे लोन कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड फैक्टर कंपनीज टू में जो इनका नंबर था जो एन का वन था जो रजिस्टर्ड है विद आरबीआई नेक्स्ट जो हमारा पार्ट इसमें आता है दैट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल और अनऑर्गेनाइज्ड इंटरमीडियरीज नॉन इंस्टीट्यूशनल और अनऑर्गेनाइज्ड इंटरमीडियरीज आप कीने कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्ड है अनऑर्गेनाइज्ड मतलब ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं कि जो मर्जी कर सकते नहीं आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि जो आरबीआई है उसके जो कंट्रोल uh, से ये बाहर होते हैं कंट्रोल से बाहर का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आरबीआई के कन, का कंट्रोल है इनके ऊपर नहीं होता है तो जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं जैसे जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं महाजन होते हैं वो इसके अंदर आते हैं तो इंडिजीनियस बैंकर्स को हम इंक्लूड करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इसे अनऑर्गेनाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिजर्व बैंक का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कमीशन 1972 बैंकर्स में हम उन परसन को इंडिविजुअल्स को और फर्म्स को इंक्लूड करते हैं जो एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट प्रोवाइड करती हैं क्रेडिट या डील करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हुंडाई में ताकि फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा सके जो भी उनका कस्टमर है इन्हें हम डिफरेंट नेम से जानते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जैसे कहीं पे इन्हें महाजन कहा जाएगा कहीं पे साहूकार कहा जाएगा कहीं पे आरती कहा जाएगा और कहीं पे इंडिजीनियस बैंकर्स कहा जाएगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी में और अर्बन एरियाज में भी जो इंडिजीनियस बैंकर हैं लार्जली फाइनेंस करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज को और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको जो मेन सोर्स है फाइनेंस का Uh, जो विलेज में लोग रहते हैं कामगर रहते हैं या फार्मर्स रहते हैं उनका यही जो इंडिजीनस बैंकर्स होते हैं वो होते हैं मेन सोर्स फाइनेंस का अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट 30% जो क्रेडिट की नीड्स हैं होलसेल की और रिटेल ट्रेड की एक्सपोर्ट ट्रेड की वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर मेट आउट करता है uh, ये जो सेक्टर है वो एज अ कंपटीटर और कॉम्प्लीमेंटरी दोनों तरीके से बैंकिंग सेक्टर को कम्पीट करता है इसमें बेसिकली बेसिकलीस बैंकर महाजन साहूकार आते हैं ये हम पहले ही डिस्कस कर सकते हैं जो मेन क्रेडिट कर चुके हैं जो मेन क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है सेक्टर में दैट इज ऑर्गेनाइज हुंडी क्या होता है हुंडी एक तरीके का बेसिक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है इंडियन वर्जन उसका जो होता है उसे हुडाई कहा जाता है तो ये सेक्टर मीट आउट करता है क्रेडिट नीड्स फार्मर्स की विलेज आर्टिसन की स्मॉल uh, ट्रेडर्स की स्मॉल प्रोड्यूसर्स की क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर है वो इनको लोन देने से थोड़ा हिचकता है उसका रीजन ये कि ये उसके पास सिक्योरिटी जमा नहीं करवा सकते लैक ऑफ सिक्योरिटी है इस वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है उनको लैंड नहीं करता है तो जो इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं अपने कस्टमर्स के साथ एडवांस देने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है डीमेरिट्स भी हैं हालांकि के कहीं वो क्या है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अकाउंट्स ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं लोन अनप्रोडक्टिव के लिए देते हैं के लिए लोन देते हैं फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस भी होती है फार्मर्स uh, की लैंड छीन ली जाती है एसेकट्रा uh, जैसी जो चीजें हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रिवेल करती हैं इन सभी डिमेरिट्स के बावजूद अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप वाउंड अप नहीं करना चाहेंगे उसका रीजन ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसे एंड करने की बजाय उसे मेंड करने की जरूरत है मतलब उसे खत्म करने की बजाय उसे थोड़ा चेंज करने की जरूरत है क्योंकि जो रूरल आपकी इकोनॉमी है उसको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कवर करता है तो इस सेक्टर की फंक्शनिंग को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है तो ये था आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल और अनऑर्गेनाइज इंटरमीडियरीज तो ये था आपका जो सब कॉम्पोनेंट है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का नेक्स्ट जो हमारा है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन-कौन सी है फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए उसमें जो आती हैं अथॉरिटीज वो रेगुलेट सुपरवाइज कंट्रोल करती हैं फाइनेंशियल सेक्टर को इंडिया में तो सबसे पहले जो है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स बोथ इंडियन एंड बैंक्स

सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं उनको कंट्रोल करता है नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज योर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट 1992 को लीगल स्टेटस सेबी एक्ट को 1992 में लीगल स्टेटस दिया गया था सेबी को सेबी uh, का प्रिंसिपल रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का इंडिया में बोथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है उनको कंट्रोल सेबी करता है वो रेगुलेट करता है कि कैसे जो मार्केट्स हैं वहां पे फंक्शंस होंगे क्या फंक्शंस होंगे कौन फंक्शंस करेगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे क्या मकानिज्म होगा उन सबको रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये म्यूचुअल फंड्स वेंचर कैपिटल फंड्स जो इंडिया में प्रवेल कर रहे हैं उनको भी यही रेगुलेट करता है फ्रेम करता है रूल्स रेगुलेशन ताकि जो वर्किंग है कैपिटल मार्केट की वो फेयर एंड स्मूथ हो सके देन आता है आपका नेक्स्ट जो एजेंसी है दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एस्टेब्लिश हुई थी नाइनटीन में आर एक्ट जो है आपका और अथॉरिटी जो है ये और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है और जितनी भी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उसे ये रेगुलेट करता है तो विद दिस आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज uh, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसके uh, जो आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन hmm, क्या है मैं एक बार पढ़ देती हूँ गिवेन ओवर व्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड कॉम्पोनेंट्स What do you mean by financial instruments? Discuss the main financial instruments of Indian financial system. What do you mean by financial market? Explain its component. Explain the main components of Indian financial system. Explain banking sector as a component of Indian financial system. What do you mean by financial securities? Explain the main securities of Indian financial system. What do you mean by money market and capital market? Explain lender sectors and borrower sectors of capital. मार्केट देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो आ जाता है वट डू यू मीन बाय मनी मार्केट वट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट एक्सप्लेन द टर्म फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक्सप्लेन मेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम What do you mean by financial assets write a short note on financial instruments of indian financial system explain the nature of financial system what do you mean by non banking financial intermediaries write a short note on public sector banks in india discuss the role of banking institutions in indian financial सिस्टम ये जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पे uh, सब पार्ट आते हैं आपके फोर फोर के वो यहां से आते हैं और जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है मार्क्स का वो टाइप से आते हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं आ सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में से कोई भी दो क्वेश्चन मिला के भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है तो जस्ट गो थ्रू दिस फर्स्ट चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क Those doubts on Google Classroom. Thank you so much.